हेलो स्कॉलर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल हिमाचल सिंप्लीफाइड। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने अगस्त 2020 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहें। आइए फटाफट से शुरू करें। हाल ही में प्रदेश में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा के तहत केंद्र सरकार द्वारा कितने करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं? हाउ मच अमाउंट हैज़ बिन सैंक्शन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर हिमाचल प्रदेश रूसा टू मिशन? आंसर है 92 करोड़, 92 करोड़। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रदेश का कौन सा गांव देश के 10 हथकरघा गांवों में शामिल हुआ है? विच विलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश विल बी डेवलप्ड एज क्राफ्ट हैंडलूम विलेज? सो द आंसर इज शरण विलेज इन कुल्लू नियर नगर। नेक्स्ट है, वन क्षेत्र बढ़ाने में हिमाचल कौन से नंबर पर रहा है? That means, what is the rank of Himachal Pradesh in increasing the forest cover in the state? Answer है 5th number पे ये state हमारी रही है। अगला है, हिमाचल प्रदेश का तीसरा नगर निगम कौन सा होगा? Which will be the third municipal corporation of Himachal Pradesh? Answer is Solan। Next देखें, हाल ही में प्रदेश सरकार के पास कितनी नई पंचायतों के गठन के प्रस्ताव आए हैं? दैट मीन्स हाउ मेनी प्रपोजल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू पंचायत्स हैव रिसेंटली कम टू द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश? आंसर है इसका 230। सिक्स्थ क्वेश्चन आज का है, हाल ही में सतपाल सिंह सत्ती को किस राज्य के वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सतपाल सत्ती हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू स्टेट यूनिट चीफ ऑफ। सो आंसर इज अवर ओन स्टेट, इट इज हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, फॉर विच स्टेट क्रेडिट एंड कार्ड स्कीम फॉर स्टूडेंट्स विल बी स्टार्टेड शॉर्टली? हाल ही में किस राज्य के छात्रों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना शुरू होगी? तो आंसर है फिर से हमारी अपनी स्टेट हिमाचल प्रदेश। एट्थ क्वेश्चन फॉर टुडे इज, हु गॉट सर्टिफिकेट फॉर एक्सीलेंस इन कोलकाता शॉर्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? यानी कि हाल ही में किसको कोलकाता शॉर्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्टिफिकेट फॉर एक्सीलेंस से नवाजा गया है? आंसर है इसका मैन एंड हिज शूज। अगला है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट वन टू डिक्लेयर बोर्ड रिजल्ट्स एमिस्ट कोरोना क्राइसिस? जी, एक बड़ी उपलब्धि है, कोरोना वायरस के समय रिजल्ट घोषित करने वाला देश का पहला बोर्ड कौन सा बना है? तो ये है हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। लेट्स मूव ऑन टू द 10th क्वेश्चन, विच इंडियन फ्रीडम फाइटर गॉट राष्ट्रपति सम्मान ऑन एनिवर्सरी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट? यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन की सालगिरह के अवसर पर किस स्वतंत्रता सेनानी को राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया है? तो ये हैं ज्ञान सिंह जी। अगला है, हाल ही में किसको कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है? That means, who has been given the additional charge of Vice Chancellor of Agricultural University, Palampur? The answer will be Omkar Chand Sharma. अगला है, हाल ही में केंद्र ने हिमाचल के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत कितने करोड़ रुपए की वार्षिक योजना को मंजूरी दी है? दैट मीन्स हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन सैंक्शन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान? तो आंसर है 126.69 करोड़। अगला क्वेश्चन आज का है, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ रैंक नंबर वन फॉर गुड वर्क अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2019 इन हिमाचल? हिंदी में क्वेश्चन जान ले, हाल ही में डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2019 में बेहतरीन कार्य करने के लिए किस जिला को पूरे हिमाचल में प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है? तो वो जिला है बिलासपुर। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, हाल ही में प्रदेश वूल फेडरेशन के चेयरमैन किसे बनाया गया है? इंग्लिश में देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ स्टेट वूल फेडरेशन रिसेंटली? आंसर है त्रिलोक कपूर। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, होपफुली आपको आते होंगे, और अगर नहीं आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। बाकी लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें तो वीडियो को ज़रूर कीजिए शेयर, साथ में लाइक तो एक बनता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।